सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि खास त्योहार है दीपावली और इस खास मौके पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि भाई शायद दिवाली के मौके पर तब्बू कहीं शादी के मूड में तो नहीं है। ये तो आप सभी जानते हैं कि तब्बू बॉलीवुड में कई सालों से एक्टिंग कर रही हैं, कई सालों से उन्होंने बॉलीवुड में कई तमाम बड़ी हिट फिल्में दी हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भाई अब दिवाली के इस खास मौके पर ऐसी खबर सामने आई है कि तब्बू जो हैं अब शादी का पूरा पूरा मन बना चुकी हैं और ऐसा लग रहा है कि भाई अब अजय देवगन जो सिंघम कहलाए जाते हैं बॉलीवुड के, वो पहले किस तरीके से तब्बू को शादी नहीं करने देते थे, उनके पीछे कोई भी लड़का पड़ता था तो वो उस लड़के के पीछे पीछे चले जाया करते थे और तब्बू की शादी ना होने का कारण तब्बू आज भी अजय देवगन को मानती हैं। लेकिन भाई अब खबर सामने आई है कि तब्बू अब शादी का पूरा पूरा मन बना चुकी हैं और ये बात खुद ही तब्बू ने कही है। तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते नजर आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों बॉलीवुड में शादियों का सीजन चल रहा है। हाल ही में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी होने वाली है, यानी 14 और 15 नवंबर को दीपिका और रणवीर सिंह शादी करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की रेसी गर्ल और हॉलीवुड में भी अपनी अच्छी खासी पहचान बनाने वाली प्रियंका चोपड़ा भी हॉलीवुड सिंगर और एक्टर निक जोनस से शादी करने वाली हैं। अब इसी बीच ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड सबसे मशहूर अभिनेत्री तब्बू भी शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है और अब वो शादी करना चाहती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि तब्बू हाल ही में 47 की हो गई है और अब 47 की होने के बाद कहीं ना कहीं अब उनका शादी करने का मन कर रहा है। दरअसल तब्बू से हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि क्या वो शादी करना चाहती है, क्या वो शादी के लिए तैयार है, तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, यदि शादी के लिए कोई सही लड़का मिल जाए तो मैं तैयार हूँ शादी के लिए। पहले से साफ जाहिर होता है कि तब्बू शादी करना चाहती हैं, बस उन्हें तलाश है तो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे लड़के की। पहले ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि तब्बू को कब लड़का मिलता है और कब वो शादी करती है। दिवाली का ये खास मौका है और दिवाली के इस खास मौके पर ऐसा लग रहा है कि तब्बू अब जल्द ही अपने फैंस को भी अपनी शादी की खुशखबरी देने वाली है। ये साल बॉलीवुड के लिए अच्छा साबित हुआ तो बुरा भी साबित हुआ। जहां एक तरफ शादियों की लाइन लग गई है तो वहीं दूसरी तरफ अब तब्बू भी इस लाइन में कहीं ना कहीं शामिल होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से तब्बू ने कहा कि वो शादी करना चाहती है, उससे साफ जाहिर है कि तब्बू अब वाकई सिंगल रहते रहते थक गई है और अब वो भी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती है और शादी करना चाहती है। इसी के साथ आपको बता दें कि तब्बू ने हाल ही में अभिनेता आयुष्मान खुराना के साथ पहली बार फिल्म अंधाधुन में काम किया है, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं बताया कि आयुष्मान के पिता ज्योतिष शास्त्री हैं। जब तब्बू को इस बात का पता चला तो उन्होंने आयुष्मान खुराना से कहा, तुमने अब मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पिता एस्ट्रोलॉजर हैं? अगर पता चल गया होता तो मेरी कुंडली देखकर अब तक मेरी शादी करवा ही दी होती। तुम बहुत बुरे हो आयुष्मान, खुद तो शादी कर ली और बच्चे भी हैं। वेल, तब्बू के इस बयान से साफ जाहिर है कि अब तब्बू वाकई सिंगल रहते रहते काफी ज्यादा परेशान हो गई हैं और अब वो सचमुच शादी करना चाहती हैं। दरअसल आपको बता दें, तब्बू से पूछा गया, क्या आपने अपने जीवन साथी के लिए कोई धारणा तय की है कि वो कैसा होगा, तो इस बात पर तब्बू ने जवाब देते हुए कहा, यार ये सब परसेप्शन वगैरह सिर्फ एक पॉइंट तक ही होता है। इन बातों से परे जब इंसान आपको मिलता है तब आपको खुद ही पता चल जाता है, उसे देखते ही पता चल जाता है कि ओ गॉड, यही तो चाहिए था। ये इसी तरह का कनेक्शन है। आपको पता होता है एक बात ये है कि मैं जिससे भी शादी करूंगी वो लंबा तो जरूर होगा,
वैसे तब वो अपनी निजी जिंदगी से जुड़े सवालों से हमेशा बचती नजर आई है। वो कभी भी अपनी शादी से जुड़े निजी सवालों का जवाब नहीं देती है। समय के साथ तब्बू भी थोड़ी बदल गई है। अब जानती है कि अपनी फिल्मों का प्रमोशन करना है तो बातों में नमक मिर्च जरूर लगानी चाहिए। वह आपको बता दे, तब्बू की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई, इसका एक कारण अजय देवगन को भी माना जाता है। दरअसल अजय देवगन तब्बू के बचपन के दोस्त हैं और जब भी तब्बू स्कूल जाती थी या फिर उनके पीछे कोई लड़का पड़ता था तो अजय देवगन अपना सिंगम वाले स्टाइल में उसके पीछे पीछे चले जाया करते थे और तब्बू को किसी भी लड़के से बात नहीं करने देते थे। ऐसा तब्बू ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। हालांकि उन्होंने काफी हंसी मजाक तरीके से बताया, लेकिन आज तक ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगम अजय देवगन की वजह से ही तब्बू शादी नहीं कर पाई है और आज तक हुआ रही है। वेल, हम यही उम्मीद करेंगे कि अब तब्बू ने जब फैसला ले ही लिया है कि वो शादी के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो अब हम यही उम्मीद करेंगे कि उन्हें एक अच्छा लड़का मिल जाए और वो अपना घर बसा ले। बॉलीवुड में आए दिन शादियां हो रही है। अब रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण भी शादी कर रहे हैं। इससे पहले सोनम कपूर शादी कर चुकी हैं, अनुष्का शर्मा शादी कर चुकी हैं और प्रियंका चोपड़ा भी शादी कर रही हैं। अब हम चाहेंगे कि 47 की तब्बू अब दुल्हन बनकर सबको चौंका दे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ले। एक्ट्रेस जो आज कुंवारी हैं, जी हाँ, तब भले ही 47 की हो गई हो लेकिन आज भी बेहद खूबसूरत दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टर जैकी श्रॉफ ने तब्बू संग जोर जबरदस्ती की थी? जी हाँ, दरअसल तब्बू की बड़ी बहन फराह अपनी फिल्म दिल जला की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म में उनके साथ एक्टर जैकी श्रॉफ लीड रोल में थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान तब्बू भी कभी कभी सेट पर आ जाया करती थी। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद अभिनेता डैनी ने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी जिसमें तब्बू भी अपनी बहन फराह के साथ डैनी के घर पहुंची थी। इस पार्टी में जैकी श्रॉफ भी पहुंचे थे। उन्होंने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि वो तब्बू से खुलेआम जोर जबरदस्ती करने लगे थे। वेल, जैकी श्रॉफ भी बॉलीवुड के काफी बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन उनकी ये काली करतूत काफी कम लोग ही जानते हैं और ये किस्सा अभी का नहीं, काफी सालों पुराना है। लेकिन एक बार फिर से तब्बू और जैकी श्रॉफ का एक किस्सा चर्चा में बना हुआ है। जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से दिवाली के इस खास मौके पर तब्बू जो है शादी का मन बना चुकी है। तब्बू के इस बयान से ये साफ जाहिर हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं अब तब्बू वाकई में शादी करना चाहती हैं। तब्बू की इतनी ज्यादा उम्र है और वो इतनी उम्र में भी अभी तक कुंवारी है और हर कोई बस यही सोचता है कि आखिरकार तब्बू ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। वेल, बॉलीवुड में जिस तरीके से शादियों का सीजन चल रहा है उससे अब ऐसा लग रहा है कि भाई तब्बू भी अब जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि अब तब्बू को अपना घर बसा लेना चाहिए, शादीशुदा जिंदगी में उनको बेहद खुशहाल अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। अब बस यही उम्मीद है कि तब्बू भी दीपिका प्रियंका के बाद शादी कर ले। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ और ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को। Thank you.